रोहतक में हुई नगर पालिका संघ हरियाणा की प्रदेश स्तरीय मीटिंग। 3 दिन की होने वाली सफाई कर्मचारियों की हड़ताल कर दी महीने के लिए स्थगित। सरकार ने नहीं मानी मांग तो हो सकती है हड़ताल। कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं। रविवार को रोहतक में हुई नगर पालिका संघ हरियाणा की मीटिंग में 3 दिन की होने वाली सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। गौर करने वाली बात ये है कि प्रदेश सरकार कोरोना काल में भी सफाई कर्मचारियों को कोई भी सुविधा नहीं दे रही, जिसकी उन्हें अत्यंत आवश्यकता है। न मास्क, ना ग्लव्स, ना सैनिटाइजर और ना ही PPE किट। नगर पालिका संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 6-7-8 जुलाई को सुबह 6 बजे सफाई कर्मचारियों की होने वाली 3 दिवसीय हड़ताल को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। उनकी मांग है कि प्रत्येक सफाई कर्मचारी को 50 लाख का बीमा कवर सरकार को मुहैया करवाना चाहिए। अगर ये सब करने में सरकार विफल होती है तो वो हड़ताल करने को मजबूर हो जाएंगे। हमारी 6, 7 और 8 की 3 दिवसीय हड़ताल शुरू होने जा रही थी, तो इसके ऊपर हमने विचार मंथन यहाँ पर किया है और अब नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने आंदोलन को जारी रखते हुए जो 3 दिन की हड़ताल है इसको 1 महीने के लिए टाल दिया है, क्योंकि जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं उनके द्वारा हमें लिखित पत्र जुलाई के अंतिम सप्ताह में बातचीत करने के लिए निमंत्रण मिला है और हम चाहते हैं कि कोरोना काल में जहां आज दुनिया और हमारा देश और प्रदेश आज इस कोरोना से जूझ रहा है, इस स्थिति में प्रदेश की जनता को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, कोरोना को ध्यान में रखते हुए हमने इस हड़ताल को 1 महीने के लिए बढ़ाया है और ये निर्णय लिया है कि हम हड़ताल ना करके जनता के बीच में जाकर के सरकार का फोन खोलेंगे, बताएंगे कि कोरोना में किस तरह से हम काम कर रहे हैं, हम आइसोलेशन वार्डों में हम क्वारंटीन किए गए मरीजों के घर से वेस्टेज उठाने का या कोरोना से मौत होने पर लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमें ना तो PPE किट उपलब्ध करा रही है ना अन्य सुरक्षा के उपकरण हमें उपलब्ध करा रही है। और सरकार को ये कहना चाहते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से हमारी मानी गई मांगे, चाहे वो 50 लाख रुपया अतिरिक्त आर्थिक सहायता राशि कोरोना पर मौत होने पर देने की बात है या मृतक के आश्रित को नौकरी देने की बात है, 4,000 रुपया जोखिम भत्ता देने की बात है, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने का हमारा इशू है या रेगुलाइजेशन का अन्य अन्य जो हमारे मांग है उनको सरकार पूरा करे। अगर नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर ये हड़ताल सरकार के खिलाफ 1 महीने बाद फिर दोबारा हम करने को मजबूर हों।